स्टार प्लस का सबसे पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में शो में नहीं आएगा लीप। मेकर्स के इस फैसले पर लगी रोक, अब फैंस की बात पर मेकर्स ने लगाई बड़ी गुहार। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों इस समय गुम है किसी के प्यार में शो में 10 से 12 साल का लीप आने जा रहा है, जिसके बाद शक्ति अरोरा की शो से एग्जिट होने वाली है। लेकिन इसी बीच फैंस हर चीज कर सकते हैं, क्योंकि शो को बनाने वाले और बिगाड़ने वाली जनता ही होती है। लेकिन गुम है किसी के प्यार में शो के मेकर्स ने लीप लेने का फैसला किया, जिसकी बड़ी वजह मेकर्स ने बताई कि शो में कई लंबे समय से टीआरपी जो है वो नहीं बढ़ रही है। अब इसी के चलते शक्ति अरोरा की एग्जिट की खबर सामने आई, तब से ही फैंस का लगातार नो शक्ति नो गुम और नो लीप ऐसा करके ट्विटर पर ट्रेंड चलाने लगे, जिसके बाद अब मेकर्स जो हैं वो अपने डिसीजन में चेंजेस लाना चाहते हैं। दरअसल मेकर्स लीप को हटाने का फैसला ले रहे हैं और अब तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन हाँ बहुत सारी खबरें ऐसी भी आ रही हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि भाविका शर्मा और शक्ति अरोरा शो को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और शो में अगर लीप नहीं आता है, क्योंकि जनता लगातार ये डिमांड कर रही है कि अगर गुम में लीप आया तो इस शो को ऑफेयर कर दिया जाए या फिर हम इस शो को कंप्लीटली बॉयकॉट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर जनता इस शो को बॉयकॉट कर देगी तो बड़े बड़े शो फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन मेकर्स ने ये फैसला लिया है शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए। क्या आपको भी लगता है कि गुम है किसी के प्यार में शो में लीप नहीं आना चाहिए, मेकर्स को फैंस की बात सुननी चाहिए जिससे टीआरपी बढ़ेगी? मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन इस कंट्रोवर्सी पर। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।